हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बड़ी और आज का हमारा मेन्यू है कंपैरिजन। कंपैरिजन। अरे यार, मैं तो ये वर्ड को सुन सुन के थक गया हूँ यार। मतलब कब तक यार, हद होती है यार। आई एम श्योर आप लोग भी ये वर्ड सुन सुन के थक ही गए होंगे। मतलब हम लोग छोटे थे, बड़े हो रहे, तब से हमको हर बात में कंपेयर तो किया ही जाता है। अरे उसको देख, वो कितना अच्छा कर रहा है ये काम देख। हमको पता है कि उसकी एबिलिटी है वो काम में, हमारी नहीं है, तो भी हमको हर बात में कंपेयर करते हैं। अरे यार, इससे होता क्या है, वो तो कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। हमारा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो चुका है कि अब हम भी कोई बाहर जाते हैं, कोई प्लेयर से मिलते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं, तो हम भी अपने मन में उसको कंपेयर ही करते रहते हैं पूरा दिन, सुबह से शाम तक यार। मतलब ये सब कब तक चलेगा यार, कुछ चेंज तो करना पड़ेगा ना। तो माइंडसेट अब यहाँ से चेंज कैसे करना है फ्रेंड्स, हमें ये कंपैरिजन के प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो मैं आपको पूरा फंडा समझाता हूँ कि क्या है। जो आप कोई ना कोई एकेडमी में तो जाते होंगे प्रैक्टिस के लिए। चलो मान लो कि वहाँ पे 50 से 100 लोग आते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप क्या करते हो, आप उन सबसे कंपैरिजन तो करते हो कि मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा है या वो अच्छा है। मतलब आप मन में करते हो, मतलब बाहर कुछ बिगड़ेगा नहीं। चलो तो फिर अब बात आती है कि जब आप सिलेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आप एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर जा रहे हो, तो वहाँ पे आपके जैसे 50 से 60 लोग तो पहले से ही होंगे, सिलेक्ट होने ही आए वो लोग भी। तो आपने वहाँ पे क्या किया, आपने कंपेयर कर दिया कि मैं इन सबसे अच्छा हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा। किस बेस पे आपने कंपेरिजन किया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कंपेयर किया है। अब इसका फायदा होगा कि नहीं, चलो हम देखते हैं। तो जो सिलेक्टर होगा, जो आपको सिलेक्ट करेगा, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट करने वाला है आप सबको, ठीक है। तो मतलब आपका कंपैरिजन का कोई फायदा होगा कि नहीं, वो आप खुद सोचो। तो वो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कंपैरिजन ही क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसको तो अच्छे से अच्छा प्लेयर चाहिए टीम में, इसलिए वो कंपैरिजन तो करेगा और वो जो बेस्ट प्लेयर होगा उसको वो सिलेक्ट करेगा। तो मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो होगा क्या इससे, इससे आपने जो कंपैरिजन किया वो सब फेल, आप सब गलत, आपने जो कंपेयर किया वो कुछ काम है नहीं, काम है। इसलिए मैंने वो पिछले वीडियो कंपटीशन वाले वीडियो में बोला था कि खुद से कम्पीट करो तो आपके चांसेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आप खुद से कम्पीट करोगे तो आपकी गेम डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। इसीलिए चलो इन सब बातें, ये सारी बातें सिंपल है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, और ये एग्जांपल प्रैक्टिकल बेस पे आधारित है, तो इसे उसी तरह से ट्रीट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। मी मतलब मैं, व्यूअर्स मतलब आप सब। चलो मान लो कि आपने मेरी बैटिंग देखी और मैंने 100 रन बनाए, फिर आप कंपेयर करते हो और सोचते हो कि मुझे भी इसके जैसे 100 रन बनाने, इसकी टेक्निक फॉलो करनी है, इसके जैसे शॉट्स मारने। तो और आपने अपना एम और गोल दोनों कहाँ सेट किया हुआ है, बस ये सिर्फ ये 100 रन पे, उससे आगे कुछ है नहीं। अब यहाँ पे दो चीज़ें होने वाली है। एक, पहली, या तो आप कर लोगे, चेज कर लोगे 100 रन, या फिर आप नहीं कर पाओगे। अगर मान लो कि आप लोग ने नहीं कर पाए, तो उससे होगा क्या, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा, आप डिप्रेस हो जाओगे और आपका मॉरल भी डाउन हो जाएगा। फिर पता नहीं आप किस डायरेक्शन में जाओगे, फिर कैसे मेहनत करके ऊपर आओगे, वो आपके ऊपर है। फिर अगर आपने चेज भी कर लिए, ये 100 रन अचीव कर लिए, तो उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे, वो आपकी मैक्स लिमिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने कंपेयर किया और आपका गोल यहीं तक था, और आप पहुंच गए तो आप खुश हो जाओगे, पा लिया, चेज कर लिया, बस यहीं तक हो जाएगा। अगर यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप मेरे से ज़्यादा रन बना सकते हो, मान लो 150 बना लोगे या फिर 200 भी बना सकते हो, लेकिन आपका गोल ये है ही नहीं, आपने तो बस ये 100 रन पे ही पकड़े रखा है, बस मुझे इनकी तरह 100 रन मारने हैं, ये टेक्निक फॉलो करनी है, यही शॉर्ट स्किल है। अरे नहीं भाई, आप अपनी एबिलिटी पे फोकस करो, आप मुझसे भी ज़्यादा रन बना सकते हो, लेकिन ये कब होगा, जब आपने खुद की एबिलिटी पे फोकस किया होगा। तो दोस्तों इन सब बातों का मतलब यही निकलता है कि दूसरों से कंपेयर मत करो,
आपकी अपनी एबिलिटी है, अपनी क्वालिटी है, तो उस पर फोकस करो तो ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।